हेलो दोस्तों, पीके क्रिएटिव ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज कुमार, मगध यूनिवर्सिटी बोधगया कैंपस से। तो आज जैसा कि आज खरना का दिन है और मास छठ मैया का आज बहुत बड़ा पर्व है, आप सभी को पीके क्रिएटिव ब्लॉग की तरफ से हैप्पी छठ पूजा। क्योंकि जैसा कि हम हॉस्टल में बने हुए हैं और एक बहुत बड़ा अपडेट लेके आए हुए हैं आप सभी के पास, इन्फॉर्मेशन लेके आए हुए हैं। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि पीजी का जो है टाइम टेबल आ चुका है। तो ये पीजी का टाइम टेबल जो आया हुआ है आपको साइड में भी दिख रहा होगा, इस साइड में आपको साइड में पीजी का टाइम टेबल दिख रहा होगा। तो किसका पीजी का टाइम टेबल है, किस यूनिवर्सिटी का है? क्योंकि जैसा कि हम बोल रहे हैं आपको सभी यूनिवर्सिटी का धीरे धीरे हम लाएंगे, जो अपडेट हमको मिलता रहेगा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। तो ये यूनिवर्सिटी है पीपीयू, जो हमसे कट के बना हुआ है, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। तो जैसा कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो पीजी का फोर्थ सेमेस्टर का, साइड में देख रहे होंगे, फोर्थ सेमेस्टर का ये 9 तारीख खुलने के बाद 9/11 से एग्जाम चालू हो चुका है इनका, समझे। अब मगध यूनिवर्सिटी का पीजी 18-20 सेशन का अभी तक कुछ नहीं लिया गया है। फिर इसके बाद चलते हैं फोर्थ सेमेस्टर का, आपको बताया उसके बाद लेके चलते हैं, आपको साइड में दिख रहा होगा सेकेंड सेमेस्टर पीजी का, इसका अभी 9 तारीख से भी चालू हो चुका है सेकेंड सेमेस्टर का। और यहाँ तक थर्ड सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर का अभी तक नहीं लिया गया है। और लेके चलते हैं, कंपेयर करके आपको बताते हैं, और चलते हैं थर्ड सेमेस्टर जिसमें हम हैं, 18-20 सेशन के मगध यूनिवर्सिटी का। और देखिए इधर 22 इनका आ चुका है थर्ड सेमेस्टर का, साइड में आपको दिख रहा होगा टाइम टेबल। तो जो भी पीपीयू के हैं, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं आप, वो सब बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप सबका टाइम टेबल आ चुका है। हम आप सबका टाइम टेबल आने के बाद एग्जाम होगा, बट मगर यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल आने के बाद भी टाइम टेबल फेल होता है, आपको नहीं पता है, बाकी ये सच्चाई है। तो जो भी लोग में वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जहां आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपका 6 महीना या 1 साल बर्बाद हुआ है मगध यूनिवर्सिटी में, तो जितना जल्दी जल्दी हम पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में निकलता है या यूनिवर्सिटी ट्रांसफर होता है, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि करवा लीजिए, अन्यथा आपका 1 साल, 2 साल, 2-3 साल नहीं, 4-5 साल बर्बाद होगा जहीं से यूनिवर्सिटी में रहेगा। तो कब एग्जाम होगा, कब क्या होगा, कब टेंडर होगा, कुछ पता नहीं अभी, समझे। जैसा कि यूनिवर्सिटी समझ लीजिए कि स्टूडेंट का भविष्य में क्या हो जाएगा, जहां आप नए हैं, मान लीजिए कि आपका 2-3 साल बीत चुका है, तब तो कोई बात नहीं, बट आप जहां नए हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जल्दी से मगध को छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में आप करवा लीजिए, आप बहुत अच्छा रहेगा, आपका भविष्य आपका अच्छा रहेगा, समझे। और हम बता दें दूसरा अपडेट है पाटलिपुत्र का, जो आप साइड में दिख रहे होंगे पेपर कटिंग दिख रहा है आपको, पाटलिपुत्र का जो PhD से रिलेटेड है। तो यूनिवर्सिटी खुलने के बाद PhD के लिए सभी विभागों में मंगाई गई सीटों की सूची आपको साइड में दिख रहा होगा। जस्ट हम आपको बता दें कि जैसे यूनिवर्सिटी छठ पूजा के बाद खुलता है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपको PhD के लिए एंट्रेंस टेस्ट भी आपको जारी हो चुका है, और कुछ आपको कम से कम 19 विषय में आपको PPU में पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आपको होता है। तो इसका वीडियो अब मैं एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा PhD पे, जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का है। मगध यूनिवर्सिटी का भी तो PhD का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम आपको क्या बताएं, आपसे पूछ रहे हैं कि मगध यूनिवर्सिटी का PhD का तो उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए पाटलिपुत्र का आया है तो हम आपको बता देते हैं, समझे। और 19 विषय में टोटल यहाँ पे से PhD होती है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से, जो अब कुछ दिन में आपको इंटरेस्ट के रूप में होने जा रहा है। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा, इन्फॉर्मेशन मुझे बताइएगा, क्योंकि जस्ट अभी मैं 2 यूनिवर्सिटी का आपको बता रहा हूँ, एक मगध यूनिवर्सिटी का सब इन्फॉर्मेशन और एक पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का, धीरे धीरे पटना यूनिवर्सिटी, क्योंकि लोगों से मैं कनेक्ट होता जा रहा हूँ, समझे, और ऐसे लोग से जो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में से रिलेटेड मगध में है ही हैं, पटना यूनिवर्सिटी से जो भी लोग हैं, एक बार विजिट भी करने सोच रहा हूँ, एक बार गया भी था मैं पाटलिपुत्र, तो वहाँ से तो कुछ लोगों का मिल गया मुझे, बट अब मैं मगध पटना यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ से भी आपको कलेक्ट करके
इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे आपको मिलता रहेगा। तो आप सब जहाँ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए और क्या कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को प्यार दीजिए। तो धन्यवाद, थैंक यू। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा, या आप हमसे बात करना चाहते हैं तो मेरा साइड में इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है, आप इंस्टाग्राम आईडी से आप मुझे फॉलो कर लीजिए। आप लाइव कभी भी आके एक टाइम रखेंगे, उस टाइम पे हमारी और आपकी वार्तालाप हो जाएगा। हम अपनी वाणी को विराम देते हैं, बेस्ट ऑफ लक, और सभी को फिर से हम बोल देते हैं हैप्पी छठ पूजा, बड़े धूमधाम से मनाइए।